Hey guys welcome back to my channel Maestro Study Lab I hope my videos are helping you in your बीएड session Today in this video I will share last two skills of SST micro lesson plans So let's get started So seventh micro teaching skill is blackboard skill There are nine components of blackboard skill appropriate gap in alphabets appropriate gap in words equal size of words Write a straight line on blackboard, short and clear words, underline of main points, use of colorful chalks, equal space between two lines and continuity in blackboard work. So basically, in this skill में हम ये explain करते हैं कि जब भी हम students को पढ़ाते हैं, तो हम blackboard पर लिखते time हमें किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए. Like जब भी हम alphabets लिखते हैं, तो उनके बीच में appropriate gap होना चाहिए. हमारी जो भी लाइन होगी वो ब्लैकबोर्ड पर बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए हमारे जो वर्ड्स हैं वो शॉर्ट एंड क्लियर वर्ड्स होने चाहिए हमें कलरफुल चॉक्स का भी यूज़ करना चाहिए जिससे कि बच्चों को हेडिंग्स एंड सब हेडिंग्स का पता चल सके इक्वल स्पेस होना चाहिए टू लाइंस के बीच में और जो भी बोर्ड वर्क है आपका वो क्वान्टिटी में होना चाहिए ना लेट्स डिस्कस प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ एंड प्यूपल एक्टिविटीज़ एज यू कैन सी कि प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ में मैंने ब्लैक बोर्ड का मिनीचर पेस्ट किया है जिसमें मैंने वो सारा वर्क शो किया है जो मैंने अपनी माइक्रो टीचिंग में यूज़ किया था मीन्स जब मैंने ब्लैक बोर्ड स्किल यूज़ की थी माइक्रो टीचिंग में तो मैंने ब्लैक बोर्ड पर जो जो वर्क किया था वो सभी मैंने इस मिनीचर में शो किया है एंड राइट साइड प्यूपल एक्टिविटीज़ में जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है स्टूडेंट्स लिसन केयरफुली एंड स्टूडेंट्स राइट मेन पॉइंट्स इन देयर नोटबुक मतलब कि जब मैं ब्लैक बोर्ड पर ये वर्क कर रही थी तो बच्चे उसे ध्यान से सुन रहे थे और मेन पॉइंट्स को अपने नोटबुक में लिख रहे थे नाउ कम टू दी पेज रेटिंग स्किल सो जो भी ब्लैकबोर्ड स्किल के कॉम्पोनेट्स हैं वो फिर से हमने यहाँ पर नोट डाउन करें एंड टीचर्स हमारी स्किल के अकॉर्डिंग कि हमने इस स्किल को कितने अच्छे से परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग टीचर्स हमें रेटिंग्स देंगी एंड सजेशंस भी देंगी लास्ट माइक्रो टीचिंग स्किल इज क्लोजर स्किल सो देअर आर फोर कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस स्किल क्वेश्चन वर आज टू एंश्योर कंसॉलिडेशन ऑफ लर्न कंटेंट opportunities were provided to use learned content linkage of current knowledge with previous knowledge and linkage of learned content with practices basically closure skill mein kya hota hai ki hum bachcho ko jo bhi humne half an hour mein बच्चों को जो भी, भी टॉपिक पढ़ाया है वो बच्चों को कितना समझ में आया है उसे summarize करके बच्चों को बताते हैं and उस टॉपिक related रिलेटेड कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी पूछते हैं एंड एट लास्ट हम ब्लैक बोर्ड पर बच्चों को होमवर्क प्रोवाइड कराते हैं

वाई इज़ प्लान्टशन फार्मिंग इम्पोर्टेंट एंड वॉट इज इंटेंसिव फार्मिंग बच्चों ने उसका रिप्लाई किया एंड प्यपल एक्टिविटीज़ में हमने बच्चों का आंसर भी नोट डाउन किया और एट लास्ट मैंने ब्लैकबोर्ड का मीनिएचर यहाँ पर पेस्ट किया है जिसमें मैंने बच्चों को जो भी होमवर्क प्रोवाइड कराया वो हम नोट डाउन करेंगे एंड बच्चे उस होमवर्क को अपनी नोटबुक में नोट डाउन करेंगे एंड लास्ट इज रेटिंग स्केल ऑफ क्लोजर स्किल सो सबसे पहले क्लोजर स्किल के जो भी कॉम्पोनेट्स हैं वो हम इस पेज पर लिखेंगे एंड टीचर्स हमने इस स्किल को कितने अच्छे से परफॉर्म किया है इसके कॉम्पोनेट्स को कितने अच्छे से परफॉर्म किया है उसके अकॉर्डिंग हमें रेटिंग्स दी जाएगी आई होप आपको इस वीडियो के थ्रू आपके माइक्रो लेसन प्लान बनाने में मदद मिलेगी इफ़ यू हैव एनी कन्फ्यूजन देन यू आर फ्री टू आस्क फॉर मोर वीडियोज रिगार्डिंग बी एड Please like, share and subscribe my channel. Thank you.